नमस्कार, मैं हूं अंशी तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। देश के इतिहास में पहली बार बालाघाट जिले में डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं, जिसे लेकर ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारियों ने बीते रविवार यानी कि 4 जुलाई को पेट्रोल एवं डीजल पंप पहुंचकर अनोखा प्रदर्शन किया। पहले डीजल पंप पर फूलों की माला पहनाई, फिर तिलक लगाया और अंत में वाहन चालकों को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में कसीदे गाड़े। ये तस्वीरें बालाघाट जिले के डीजल पंप की हैं, जहां पर पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से दाम बढ़ाने के बाद डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। इसी को लेकर 4 जुलाई को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बड़ी सी फूल माला के साथ रैली निकाली और फ्यूल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने डीजल पंप पर फूलों की माला पहनाई और तिलक वंदन करते हुए यहां पहुंचने वाले वाहन चालकों का मुंह मीठा कराया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आज डीजल के मीटर में कीमत नहीं बढ़ रही, बल्कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यश बढ़ रहा है। जैसे भाजपा नेताओं ने कहा था कि मोदी इतिहास पुरुष हैं, वैसे ही वे नया नया इतिहास रच रहे हैं, इसीलिए वे खुशी मना रहे हैं। उन्होंने सरकार से यह भी कहा है कि पेट्रोल पंप के नाम बदलकर अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये डीजल में केंद्र और राज्य की सरकार करीबन 70% टैक्स वसूल रही है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नहीं, आज भारत के इतिहास में पहली बार डीजल ने अपना शतक पूरा किया है। भारत के लोगों ने जिंदगी में सपने में नहीं सोचे थे कि ये पेट्रोल पंप की जो मशीन है, इसमें दहाई का आंकड़ा से तिहाई का आंकड़ा भी हो सकता है। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा भारत के लोगों को ये दिन भी देखना पड़ रहा है। ये मीटर में कीमत नहीं बढ़ रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का यश बढ़ रहा है। भाई, उनका बीजेपी के नेताओं ने कहे थे कि ये हमारे इतिहास पुरुष हैं। अब उनको जब इतिहास पुरुष का दर्जा दिया गया है तो इतिहास नया नया रच रहे हैं। जिंदगी में कभी डीजल पेट्रोल से शतक नहीं हुआ था, वो भी आज पूरा हो गया है। तो उसकी खुशी में, शतक पूरा होने की खुशी में, कि देश के लोगों की कमर टूट रही है, महंगाई की मार अब लोगों को झेलना मुश्किल हो गया है, शतक पूरा होने की खुशी में आज हम लोगों ने माला पहनाए हैं, मिठाई बांटे हैं। तो ये पूरा हमारे मोदी जी जो चाहते हैं वो हो रहा है, और लोगों की कमर टूट रही है, महंगाई की मार से जनता का जीना दुश्वार हो गया है, इसीलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजनेस आज हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन पूरी बर्बाद होने पर आ चुकी है। डीजल एक ऐसी वस्तु है जिससे हर आम आदमी का लेना देना जिंदगी में रहता है। आज चाहे किसान अपने खेतों में जुताई कर रहा है, उसका जुताई करना मुश्किल हो गया, ट्रैक्टरों के रेट बढ़ गए हैं। आज हर आदमी जो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, उड़ रहा है, मकान बना रहा है, हर सामान ट्रकों से परिवहन होता है। आज हमारी ट्रक इंडस्ट्री टोटल बर्बाद हो चुकी है, ट्रकों की किस्तें निकालना मुश्किल हो गया है, लेकिन मोदी जी के कान में जू नहीं देख रही है। उन्होंने पहले कहे थे कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, मैं एक्साइज ड्यूटी लगा रहा हूँ, जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कमाई का अड्डा बना ली है। और ये जो पेट्रोल पंप है, मैं कहता हूँ इनका नाम बदल करके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सेंटर रख देना चाहिए, क्योंकि आज 100 रुपए के डीजल में 75 रुपए का टैक्स लगा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। हर आदमी रोज यहाँ आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स पटा करके जा रहा है, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन सेंटर बन के रह गए हैं। 100 रुपए के डीजल में 75 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट हमसे ले रही है। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। मध्यम वर्ग आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स मध्यम वर्ग और व्यापारी भरता है, और उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, सिर्फ टैक्स भरने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।